हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निगम क्यूजिन। आज हम दादी माँ की रीत से अहमदाबाद के मशहूर टेस्टफुल रस पात्रा घर पर बनाना सीखेंगे। पात्रा एक गुजराती फरसान है जो सभी गुजराती घरों में बनता है, लेकिन अहमदाबाद में जो पात्रा मिलता है उसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है। तो आज हम वैसी ही रेसिपी घर पर बनाना सीखेंगे, तो वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक अवश्य देखिए और रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। पात्रा बनाने के लिए इस तरह के अरबी के पत्तों का उपयोग होता है। मैंने 250 ग्राम मीडियम साइज के और फ्रेश अरबी के पत्ते लिए हैं। उसे पानी से अच्छे से धोकर मैंने ड्राई कर लिया है। अब हम इसके पीछे जो नस होती है उसे चाकू की मदद से काटेंगे। एक अरबी के पत्ते को चॉपिंग बोर्ड के ऊपर रखें और चाकू की मदद से उसके पीछे जो नस होती है उसे काट ले। अगर आप इस प्रकार के मीडियम साइज के या छोटे पत्ते का उपयोग करते हो तो उसमें नस बहुत ही कम होती है, लेकिन अगर आप बड़े साइज के पत्ते लेते हो तो उसमें साइड की जो नस होती है वो भी मोटी होती है, तो उसे भी काटना जरूरी बनता है। पात्रा बनाने के लिए इस प्रकार के मीडियम या छोटी साइज के पत्तों का उपयोग करेंगे तो पात्रा बहुत टेस्टी बनेंगे। इस तरह से हमने तीनों नस काट लिए हैं और बाकी के पत्तों में से भी हम काट लेंगे। सभी पत्तों के ऊपर से नस काट के मैंने उसे साइज के मुताबिक अलग अलग रखा है। अब ऊपर लगाने के लिए बैटर तैयार करेंगे। आने के लिए एक बड़ा बर्तन ले और उसमें 250 ग्राम बेसन ऐड करें। बेसन को छानकर ही उपयोग में ले। जितनी क्वांटिटी में हमने अरबी के पत्ते लिए हो उतनी ही क्वांटिटी में हमें बेसन लेना है। अब हम उसमें सब मसाला ऐड करेंगे, जिसमें एक चम्मच अजवाइन। अजवाइन डाइजेशन के लिए भी फायदेमंद है और उससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। 2 से 3 चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। आप जितना तीखा खाना पसंद करते हो उसके मुताबिक लाल मिर्च पाउडर ऐड कर सकते हैं। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करें और 1/2 चम्मच हींग ऐड करें। उसके साथ हम 1 बड़ा चम्मच अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करेंगे। अगर आप जैन हो तो आप सिर्फ हरी मिर्च का ही उपयोग करें। 1/2 चम्मच गरम मसाला ऐड करें। आप किसी भी ब्रांड का गरम मसाला ले सकते हैं। और 5 से 6 चम्मच जितनी शक्कर ऐड करें। पात्रा थोड़े खट्टे मीठे होते हैं इसलिए शक्कर अवश्य ऐड करें। और उसके साथ हम 1/2 कप इमली का पल्प ऐड करेंगे। जो देसी इमली आती है उसे 10 से 15 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगो कर रखें और हाथ से मसल कर जो पल्प तैयार हो वो आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपके घर में इमली नहीं है तो आप 3 टेबलस्पून खट्टा दही भी ऐड कर सकते हैं। अब हम उसमें 1/2 चम्मच कुकिंग सोडा ऐड करेंगे। जो खाने का मीठा सोडा होता है वो ऐड किया है। और उसके ऊपर 1 चम्मच नींबू का रस ऐड करेंगे जिससे कि सोडा अच्छे से एक्टिव हो जाए। अब सभी मसालों को बेसन में अच्छे से मिला लेंगे। कुछ लोग ये बैटर बनाते वक्त तेल का मोयन भी ऐड करते हैं, लेकिन आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। बैटर की कंसिस्टेंसी हमें मीडियम थिक रखनी है। अगर आप ज़्यादा पतला बैटर बनाओगे तो वो पत्तों के ऊपर अच्छे से कोट नहीं हो पाएगा। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाए और मीडियम थिक बैटर बनाए। एक साथ ज़्यादा पानी ऐड ना करें वरना बेसन की गुटलियाँ हो जाएगी। बैटर को ज़्यादा गाढ़ा मत रखें। अगर गाढ़ा बैटर बनाओगे तो भी वो खाने में अच्छा नहीं लगेगा। इस तरह से अच्छे से मिक्स करके बैटर तैयार करें। इतना बैटर बनाने के लिए हमने 1.5 कप पानी का उपयोग किया है। कुछ लोग ये बैटर बनाते वक्त उसमें बेसन के साथ थोड़ा राइस फ्लार यानी कि चावल का आटा भी ऐड करते हैं। अगर आप ऐड करना चाहते हो तो आप 3 टेबलस्पून जितना ऐड कर सकते हैं।
अब हम उसमें स्वादानुसार नमक ऐड करेंगे और उसे अच्छे से मिला लेंगे। अभी मैंने एक चम्मच से थोड़ा ज़्यादा नमक ऐड किया है। अगर आपको धनिया का टेस्ट पसंद हो तो आप इसमें एक चम्मच जितना धनिया पाउडर भी मिला सकते हैं। जैसे हम आलू के पकोड़े बनाते हैं उसके लिए जो बैटर बनाते हैं उससे भी थोड़ा गाढ़ा बैटर हमें तैयार करना है। बैटर की कंसिस्टेंसी इस टाइप की मीडियम थिक रखनी है। तो गुजराती पात्रा बनाने के लिए बैटर बनकर तैयार है। पात्रा बनाने के लिए इस प्रकार का एक स्टीमर ले और उसमें पानी गर्म करने के लिए रखें। पानी में 2 से 3 टुकड़े नींबू के ऐड करें ताकि उसमें क्षार ना जमे। अगर आपके पास इस प्रकार का स्टीमर ना हो तो आप किसी भी बड़े पतीले में भी पानी गर्म करके बीच में स्टैंड रख के इस प्रकार की प्लेट रखकर उसके ऊपर पात्रा को स्टीम कर सकते हैं। प्लेट को हम तेल से ग्रीस करेंगे ताकि जो पात्रा है वो प्लेट के ऊपर चिपके नहीं। स्टीमर को हमें 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर ढक्कन लगाकर प्री हीट होने के लिए रखना है। इस प्रकार की एक बड़ी थाली लेकर उसे प्लेटफॉर्म के ऊपर उल्टी रखेंगे। आप चॉपिंग बोर्ड का भी उपयोग कर सकते हो, लेकिन जो हमारी पान की साइज है उससे बड़ा चॉपिंग बोर्ड होना चाहिए। अब जो हमने नस काटकर अरबी के पत्ते रखे थे उसमें से एक पत्ता हम थाली के ऊपर रखेंगे और चम्मच की मदद से जो बैटर तैयार किया था उसे इक्वली स्प्रेड करेंगे। बैटर हमें ज़्यादा भी नहीं लगाना है और कम भी नहीं लगाना है। पूरे पत्ते पर इक्वली स्प्रेड हो वैसे थोड़ा थोड़ा बैटर लेकर इस तरह से चम्मच की मदद से लगाते जाए। ये पात्रा बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं, तो आप ये रेसिपी घर पर अवश्य ट्राई करें। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बाजू में दिए गए बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस तरह से एक पत्ते के ऊपर बैटर लगाने के बाद उसी साइज का दूसरा पत्ता हम उसके ऊपर रखेंगे और जो बैटर तैयार किया था उसे इक्वली स्प्रेड करेंगे। बैटर लगाने के लिए आप चम्मच का या इस तरह से ब्रश का उपयोग कर सकते हो और हाथ से भी लगा सकते हो। अगर आप ज़्यादा पतला बैटर तैयार करोगे तो वो इस तरह से स्प्रेड नहीं हो पाएगा। और बेसन लगाने के बाद अब तीसरा पत्ता रखेंगे और उसके ऊपर भी बेसन लगाएंगे। बेसन आप ज़्यादा क्वांटिटी में ना लगाएं, वरना पत्तों को फोल्ड करते वक्त बेसन बाहर निकलने की संभावना रहती है। आपने कभी पहले पात्रा बनाए हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप किस तरह से बनाते हैं वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इस तरह से तीनों पत्तों के ऊपर मैंने बैटर को इक्वली स्प्रेड कर दिया है। तीनों पत्तों के ऊपर लगाने के बाद इस तरह से एक साइड से हम पत्ते को फोल्ड करेंगे और उसके ऊपर भी बैटर लगाएंगे। अब दूसरी साइड से हम वैसे ही फोल्ड करेंगे और फिर से बैटर लगाएंगे। अब उसे इस तरह से रोल करेंगे और ऊपर भी थोड़ा बैटर लगाएंगे। इस तरह से बैटर लगाने के बाद अब एक साइड से हम उसे गोल फिट रोल करेंगे। थोड़ा थोड़ा बैटर लगाते जाए और उसे रोल करते जाए। जो रोल हम बनाएंगे उसे फिट बनाना है, बिल्कुल भी ढीला ना रखें। इस तरह से रोल तैयार करके हम उसे एक प्लेट में रखेंगे और बाकी के पत्तों में से भी हम बैटर लगाकर पात्रा का रोल तैयार करेंगे, फिर हम उसे स्टीम करेंगे। सभी पत्तों के ऊपर बैटर लगाकर हमने इस प्रकार के रोल तैयार किए हैं। जो बैटर हमने तैयार किया था उसमें से थोड़ा बचा है उसका बाद में हम उपयोग करेंगे। इसके बाद अब स्टीमर प्री हीट हो चुका है, ढक्कन खोले और जो पात्रा के रोल हमने तैयार किए थे
उसे स्टीमर में रखे। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हो तो आप डबल लेयर में भी स्टीम कर सकते हो। दो पात्रा के बीच थोड़ी स्पेस रखें ताकि नीचे से उसे अच्छे से स्टीम मिल सके। अब जो बैटर हमने बनाया था उसमें से थोड़ा बैटर बचा था उसे ब्रश की मदद से हम पात्रा के ऊपर लगाएंगे। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हो तो इस तरह से पात्रा को स्टीम करके आप उसे मूंगफली के कच्चे तेल के साथ भी खा सकते हो। अब हम स्टीमर का ढक्कन लगाएंगे और हाई फ्लेम पर हम पात्रा को 20 से 25 मिनट तक स्टीम होने देंगे, फिर चेक करेंगे। 25 मिनट तक हाई फ्लेम पर स्टीम करने के बाद अब ढक्कन खोलकर स्टीम किए हुए पात्रा के ऊपर चाकू लगाएं। चाकू एकदम साफ बार आ रहा है, इसलिए पात्रा स्टीम होकर तैयार है। अब गैस की फ्लेम बंद करें और स्टीम किए हुए पात्रा के ऊपर एक कॉटन कपड़ा या कॉटन दुपट्टा ढककर उसे 10 मिनट तक रहने दे। ढक्कन ना लगाए वरना जो पानी की स्टीम होगी उससे पात्रा नरम हो जाएंगे। 10 मिनट के बाद अब कॉटन कपड़ा उठाकर पात्रा को चेक करेंगे। पात्रा थोड़े ठंडे हो गए हैं, अब उसे हम स्टीमर से बाहर निकालेंगे। अभी भी पात्रा पूरी तरह से ठंडे नहीं हुए है, इसलिए 10 से 15 मिनट तक उसे ठंडा होने दें। 20 मिनट के बाद अब पात्रा अच्छे से ठंडे हो गए है, उसे प्लेट से निकाल ले। प्लेट को हमने तेल से ग्रीस किया था जिसके कारण वो नीचे चिपके नहीं है। अब चाकू की मदद से हम स्टीम किए हुए पात्रा को मीडियम साइज के टुकड़े में काट लेंगे। पात्रा को काटते वक्त एक बात का खास ध्यान रखें कि वो बिल्कुल भी गर्म नहीं होने चाहिए। अगर वो गर्म हो गए तो काटते वक्त उसका चूरा हो जाएगा। तो आप ये रेसिपी घर पर अवश्य ट्राई करें और कैसी बनती है मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। अब पात्रा को हम टेम्पर करेंगे। तड़का तैयार करने के लिए गैस पर एक कढ़ाई में हम 2 बड़े चम्मच तेल गरम करेंगे। अभी मैंने मूंगफली का तेल लिया है। कोई भी गुजराती फरसान आप बनाओगे उसमें मूंगफली के तेल का उपयोग करोगे तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तेल को हम स्लो फ्लेम पर गर्म होने देंगे। तेल थोड़ा गर्म हो जाए फिर उसमें एक साबुत लाल मिर्च ऐड करें और उसके साथ हम 1 बड़ा चम्मच मस्टर्ड सीड्स यानी कि राई ऐड करेंगे। राई थोड़ी तेल में चिटकने लगे फिर हम उसमें 1/2 चम्मच हींग ऐड करेंगे। कुछ लोग तड़का लगाते वक्त उसमें सूखी मेथी का भी उपयोग करते हैं लेकिन उससे थोड़ा टेस्ट कड़वा आता है, इसलिए मैंने सूखी मेथी का उपयोग नहीं किया है। तड़का लगाते वक्त राई और तिल का उपयोग अधिक मात्रा में करें। अब 10 से 12 कड़ी पत्ते और 3 कटी हुई हरी मिर्च ऐड करें और उसके साथ हम 1 चम्मच सूखी सौंफ ऐड करेंगे और 2 बड़े चम्मच सफ़ेद तिल ऐड करेंगे। तिल अच्छे से तेल में चिटकने लगे फिर हम चम्मच की मदद से तड़का को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम उसमें चुटकी भर हल्दी पाउडर और चुटकी भर लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे जिससे उसका कलर बहुत अच्छा आएगा। और 1 ग्लास यानी कि 200 ml पानी ऐड करके ढक्कन लगाकर उसे थोड़ी देर के लिए गर्म होने देंगे। पानी का उपयोग अवश्य करें। थोड़ी देर के बाद अब ढक्कन खोले, पानी अच्छे से उबलने लगा है। अब हम उसमें स्वादानुसार नमक ऐड करेंगे। बैटर बनाते वक्त हमने नमक ऐड किया था इसलिए ज़्यादा नमक का उपयोग ना करें। ये गुजराती पात्रा स्वाद में थोड़े खट्टे मीठे होते हैं इसलिए हम उसमें शक्कर ऐड करेंगे। अभी मैंने 3 चम्मच शक्कर ऐड की है और उसके साथ हम 2 चम्मच नींबू का रस ऐड करेंगे। बैटर बनाते वक्त हमने इमली के पल्प का उपयोग किया था इसलिए अभी हम नींबू का उपयोग करते हैं।
अब शक्कर जब तक अच्छे से मेल्ट ना हो जाए तब तक हम चम्मच की मदद से उसे चलाते रहेंगे। थोड़ी देर के बाद जब शक्कर अच्छे से मेल्ट हो जाए तब हम उसमें एक चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे और आधा चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। अब सारे मसाले पानी में अच्छे से मिक्स हो जाए तब तक हमें उसे उबालना है। थोड़ी देर के बाद पानी में सब मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं, उसमें स्टीम किए हुए पात्रा ऐड करें। ये पात्रा हम जो रेगुलर पात्रा बनाते हैं उससे कई गुना ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं। चम्मच की मदद से उसे हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स करें और ढक्कन लगाकर उसे 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर कुक करें। थोड़ी देर के बाद ढक्कन खोलकर चेक करें, जो पानी हमने ऐड किया था वो पात्रा में अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया है। 2 से 3 पात्रा के पीसेस हमने बचा कर रखे थे, उसका इस तरह से हाथ से चूरा करें और कढ़ाई में ऐड करें। इस तरह से चूरा करके ऐड करने से जो रस तैयार होगा पात्रा का वो अच्छा सा गाढ़ा होगा। जैसे हम गुजराती ऊंधियू बनाते हैं तब मेथी के मुठिया तैयार करते हैं, उसका थोड़ा चूरा करके हम बाद में ऐड करते हैं, तो उसी तरह से हमें ऐड करना है। अब उसे थोड़ी देर के लिए कुक होने दे। पात्रा को ज़्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए उसके ऊपर कद्दूकस किया हुआ फ्रेश नारियल और बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करें और गैस की फ्लेम बंद करें और 2 मिनट तक उसे ढक्कन लगाकर रहने दे। देखते ही मुंह में पानी आ जाए वैसे गर्मा गर्म अहमदाबाद के मशहूर रस पात्रा बनकर तैयार है। उसे सर्विंग बोल में सर्व करेंगे। तो दोस्तों, आप भी ये रेसिपी घर पर अवश्य ट्राई करें और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। उसके ऊपर हम कद्दूकस किया हुआ फ्रेश नारियल और बारीक कटा हुआ हरा धनिया से गार्निश करेंगे और ऊपर से थोड़ी खसखस स्प्रिंकल करेंगे जिससे वो दिखने में बहुत सुंदर लगे। आप उसे फ्रेश अनारदाने से भी गार्निश कर सकते हो। तो आप ये रेसिपी घर पर अवश्य ट्राई करें। ये मेरी दादी माँ है जिनकी उम्र 79 ईयर्स है, उन्होंने ही मुझे ये पात्रा की रेसिपी सिखाई है। इस उम्र में भी ये काफ़ी सारी कुकिंग अच्छे से कर लेती है क्योंकि बचपन से उन्हें रसोई का बहुत ही शौक है। आप मेरी चैनल पर हांडवो, ढोकला, मुठिया ये सब रेसिपीज भी देख सकते हैं। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाजू में दिए गए बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं जिससे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।